Krishna, Krishna, Hare, Hare Krishna.
अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे।
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यवशात् हरि ओम शांति 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 ओम प्रभो इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु, ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेनत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णः शरणौ मम, श्री कृष्णः शरणौ मम, श्री कृष्णः शरणौ मम। अभाग्यशाली कल्याण कामिनी माताओं देवियों बड़भागी गीता के पैरोकार कल्याण कामी मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, कर लो अब अपने मन को एकाग्र। चल रही इस विचारधारा में हम अपने मन को बिठाएं। ये प्रभु जी की शुभ प्रेरणा के अनुसार हम लोग अपनी पावन आरती के छिपे हुए भावों विचारों और दार्शनिकता को ले पा रहे हैं। आइए जरा आगे बढ़ चले, अभी कुछ डिमांड न करो इसके बारे में, मुझे पूर्ण आरती कर लेने दो। मन में रखिए, लिखते जाइए, बाद में पूर्ण उछल पड़ना मेरे पर। पहले मुझे इस प्रसंग को पूरा करने दो। मुझे उम्मीद है आपके काफी उठ रहे प्रश्न शंकाएं, अगले प्रसंगों में अवश्य में पूरी हो जाएंगी। अपने पास रखिए अभी प्रश्न, अभी बातें अधूरी है, मैं क्लियर करने की अपनी ओर से पूरी चेष्टा कर रहा हूं। हम कहां जाता है हमारा वैदिक धर्म? वैदिक धर्म अर्थात जो महर्षियों ने समाधि में बैठकर भगवान जी से दिव्य प्रेरणा ली और उसे अंकित किया, उन मंत्रों को जीवों के कल्याण के लिए, उसे वैदिक धर्म बोलते हैं। बेटे वैदिक धर्म से किसी समाज से कोई ताल्लुक नहीं। सब मेरी देवियां मेरे सज्जन अपने दिमाग से निकाल दें। वैदिक धर्म जो अनादि काल से भगवान जी ने महर्षियों को प्रदान किया, हिंदुस्तान का वही धर्म है जिसको भगवान कह रहे हैं मैं दीने अजल का भी हूं आसरा, जिसको भगवान कह रहे हैं मैं यज और शाम वेद, वेदों में ओम मैं हूं, ओंकार की ध्वनि मैं हूं। हमारे प्रभु कह रही है वेदों का मतलब किसी समाज से नहीं, आर्य समाज या सनातन धर्म से नहीं। वैदिक धर्म जो अनादि काल से महर्षियों द्वारा भगवान जी से प्रेरणा ली गई मंत्रों की, श्री ऋषियों को बोलती है मंत्र दृष्टा, मंत्रों का अनुभव, मंत्र उन्होंने नहीं बनाए, भगवान जी ने प्रकट किए, ये ज्ञान प्रभु ने प्रकट किया है, इसलिए आप और शीये बोलते हैं। भगवान द्वारा प्रकट हुआ, न किसी पुरुष द्वारा प्रकट हुआ, इसलिए इस ज्ञान में कोई परिवर्तन न हुआ है न कभी होगा, क्योंकि इसमें परिवर्तन की गुंजाइश ही कोई नहीं। इतनी सच्चाई भरी पड़ी है इस फरमान में। तो हमने देखा तो वैदिक धर्म चोटी को पहुंच गया जब हमने ये जाना तुम बिन और न दूजा। इतनी बात प्रभु कृपा करें अगर आप पक्की कर लें कि तुम बिन और न दूजा।
बड़ी जल्दी जीव छलांगे मारे, जिसे मैं कहूंगा इंग्लिश में लॉन्ग जंप ले ले, लंबी उड़ारियां भर ले, फिर कहीं भी बाधा नहीं। मेरे सजनों मेरी देवियों, क्या होगा, जीव एकाग्र हो जाएगा। मार रही है तो द्वैत मार रहा है, दो, द्वैत का मतलब ड्यूअलिज्म, और हिंदू धर्म क्या है, मोनोइज्म। हिंदू धर्म एक को मानता है, दो को नहीं, बाकी सारे मजहब संप्रदाय दो को मानते हैं, कई तीन को मानते हैं। प्रकृति को अलग मान लेंगे, जीवात्मा को अलग मान लेंगे, परमात्मा को अलग मान लेंगे। वाह वाह। लेकिन वैदिक धर्म एक को मानता है कि नहीं, वही जात जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे अच्छा है, वही गए, उसी ने सब कुछ बनाया है, वही सर्वशक्तिमान है, वही सर्व समर्थ है, एक से अनेक हुआ पड़ा है। समझना हो तो जैसे घर में समझ लो, हमारे पिताजी ने ही गृहस्थी बनाई है, अपने घर को लो, पिताजी ने ही शादी की है, पिताजी ने ही शादी करके बच्चे बनाए, पांच धीया पांच लड़के, इतना परिवार, उन्हीं की फिर लड़कियों के ये घर वाले गए, पिताजी के जवाई, और ये लड़कियों को ही तीन तीन बच्चे हुए गए, आगे पांच लड़के हैं, ये उन्हीं की बहुएं हैं, इनके दो दो बच्चे हैं, इतना बड़ा परिवार, किसका, पिताजी का, अपने घर में देख लो। इसी तरह ये भगवान जी ने अपने में से प्रकृति पैदा की है, तीन गुणों वाली, पांच तत्वों वाली। जैसे आपके पिताजी ही शादी करने के लिए गए थे, बड़ा धूमधाम से गई थी, इसलिए भगवान ने अपनी शक्ति में से ये प्रकृति निकाली, तब समझ जाओगे और आपका मन जमने लग जाएगा। मेरे जैसों की जरूरत तब तक आए जब तक आप अपने मन को जमा नहीं लेते। जैसे महापुरुष कह गए, दूध में जामन की जरूरत तब तक आए जब के दूध के चक्के बन के दही नहीं बन गई। आप बोलती हैं जो दही जम गई, न मत बोला करो, दूध जम गया, दही भला क्या जमेगी, ये गलत सब निकाल दो अपनी जुबान से। दूध के चक्के बन जाए तो हम कहेंगे ये दही, दूध जम गया। हमें बोलना चाहिए दूध जम गया, ये दही आ गई। तब तक हमें जामन की, तब तक मेरे जैसे की जरूरत है, शास्त्र की जरूरत है, ऐसे स्थानों की जरूरत है, जब तक हमारा मन उसे एक में जम ना जाए। मैं एक में जम गया बस, फिर हमारे जैसे को हमारी अपनी जगह रहने दो, शास्त्रों को अपनी जगह रहने दो। ये भगवान कह सकते थे, और कौन कहता, उसे वेद मैज एक तालाब गए जहां सारे आलम में सैलाब। उसे अब वेदों की जरूरत नहीं, किसी मेरे जैसे प्रचारक की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका मन अब उस एक में जम गया। अब जो जामन बचा पड़ा है उसको फेंक दो, खट्टा हो गया ज्यादा रात का जामन, क्यों, वो तो जम गया दूध, और इतने चक्के बन गए दही के। यही करना था हमारे जैसों ने, आपकी बुद्धि और मन को प्रभु में जमा देना। शास्त्र हो, मेरे जैसी हूं, आपके मन बुद्धि को जमा देती है जब, और उसे एक में बस, फिर संसार के संकल्प विकल्प बंद, राग द्वेष बंद, भटकन बंद, आप प्रशांत हो जाते हैं, जिसका वर्णन जबान से नहीं होता, आनंदित, छक जाएंगे, रब जाएंगे, पूर्ण तृप्ति हो जाती है, और वो तृप्ति हमेशा एक एक समान बनी रहती है, वाह, एक जैसी बनी रहती है। भगवान ने इसको बड़ा विस्तार करते हुए वर्णन किया है, क्या क्या, न जीते की शादी, न हारे दिल के तवाजन का है ना, मन का तवाजन, मन का संतुलन बना रहा। आओ मेरी देवियों, महाराज जी की अद्वितीय एवं अनुपम वाणी के माध्यम से हम अपने मन को जमा ले, और ये एक सिद्धांत जो मेरे से जानकारी कर लो, मन एक में जमता है, अनेक में नहीं। घर में भी दो माँ में ना हो, एक माँ हो। बड़ी बेवकूफी है उस आदमी की जो दो शादियां करके दोनों घर में रखता, नरक बन जाएगा वो घर, या दो मामे होगी, मन नहीं जमेगा एक के अंदर, एक नरक बना देगी। तो मन एक में जमता है, ये ध्यान देना, जरा इतराज हो तो मुझसे पूछो, मन दो में नहीं, क्योंकि मन एक से आया है। एक जो कहते मेरे कई दोस्त हैं, परमात्मा की कसम उसका कोई भी दोस्त नहीं, ये आपका शास्त्र कहता है। गुरु एक होता है, शास्त्र एक होता है, मंत्र एक होता है, इष्ट देव एक होता है,
कान खड़े कर लो, ये बातें जानकारी कर लो मेरे जैसों से। जो ये अनेक बनाती हैं वो धोबी के कुत्ते की तरह, ना घर के ना घाट के। जरा इनमें दो बनाइए बस, आप कहीं के नहीं रहेंगे। एक इस सारी सृष्टि का मालिक एक ही है। बहुत ही शानदार मौका मिला है जहां हम अपने भगवान की वाणी को समझने की चेष्टा कर रहे हैं। कलयुगी जीव, गृहस्थी जीव, जिम्मेवारियों वाले जीव भगवान की वाणी सुन रहे हैं। कलयुगी, गृहस्थी, जिम्मेवारियों वाले, फिर भगवान की वाणी, फिर इतने एकांत में, फिर ये चोटी की फिलॉसफी, ये हिंदुस्तान की ब्रह्म विद्या। बड़े पुण्य आपके, बड़े पुण्य आपके। कोई कहानी नहीं, कोई किस्सा नहीं, ये तो एक चोटी की ब्रह्म विद्या है जिससे अकल खुलती है, मन का विकास होता है, हमारे में इंकलाब आ जाता है। बिल्कुल शानदार इंकलाब, जहां इरादा बदला, विचार बदल गए, विचार बदले, कर्म बदल गए, इंसान पूरा बदल गया, जम गया भगवान के अंदर। इरादा बदलना बड़ा, किसी को बदलना हो तो उसका इरादा बदल दो। अगर किसी भी तेरे में ताकत है, किसी को बदलना चाहती है, उसका इरादा बदल, पर तेरी वश की बात नहीं। आप बाप हैं, पुत्र को बदलना चाहते हो, इरादा बदल दो, दृष्टिकोण बदलो, अगर है इतनी ताकत। अगर आप मां हो, बेटी को बदलना चाहती हो, बदल दो उसका दृष्टिकोण, है उसके एंगल ऑफ व्यू, उसके सोचने का ढंग बदलो, पर बस की बात नहीं आपके। ये शक्ति भगवान अपनी ओर से किसी किसी को देता, जिससे बहुत कुछ करवाना हो, अपनी दिव्य शक्ति उसके अंदर विशेष रख देती। बड़ा मुश्किल है मेरे सज्जनों देवियों, किसी का इरादा बदलना, दृष्टिकोण बदलना, एंगल ऑफ व्यू बदल के रख देना। वो तो सारे बदल गया, उसकी विचारधारा बदल गई, उसके कर्म बदल गए, उसके साथी बदल गए, उसका वातावरण बदल गया, उसमें अमूल चूल परिवर्तन हो गया, या कहूं इंग्लिश के अंदर उसकी ओवर हॉलिंग हो गई। ओवर हॉलिंग, आप बहुत से मेरे बच्चे बोलते हैं ओवर ऑलिंग, ऑलिंग कोई शब्द नहीं, हॉलिंग है, HUL, टूटी चीजें गई, भन्नी चीजें गई, नई चीजें आ गई, शब्द ओवर हॉलिंग, ओवर ऑलिंग नहीं, ALL नहीं, ओवर हॉलिंग, HUL। बिल्कुल अंदर बाहर से इरादे गंदे गए, गंदे विचार गए, गंदे कर्म गए, गंदी संगत गई, उससे गए सारे नवे इरादे, नवे विचार, सब नहीं होगी, नहीं हो गया। इसे कहती है मशीनरी ओवर हॉलिंग हो गई, हम अंदर से ओवर हॉलिंग हो गए। गीता ओवर हॉलिंग करती है आप सबकी, गीता का ज्ञान आपको नया बना देता है, बिल्कुल एक नए रूप में। आइए इस रास को जान ले, इसी रास पे विचार करिए, संसार में अनेक नहीं एक है, इसी अनेक ने जीवों को पटक के मार दिया, इसी अनेक ने जीवों को पटक के मारा। मैं एक बार फिर गीता जी को सामने रख के कहूंगा, इंसान की गिरावट उसी दिन शुरू हो जाती है जब वो प्रकृति को ना समझ के इसको ललचाई नजर से देखता है। मोया उसी दिन से, चाहे मां को देखे, चाहे बाप, इतराज करो मेरे पर, मारो पत्थर मेरे सिर पर, है जब वो मां को मां रूप में देखा मोया, जब वो पिता को पिता रूप में, बेटी को बेटी रूप में, पत्नी को मोया, पति को पति रूप में मोया, लगाए जो महसूस, ये आपके भगवान कह रहे हैं। इनको इस रूप में देखना मोए हम, क्योंकि इसको चलाने वाली शक्ति तो और है, हम फिर रूपों में फंस जाएंगे, रूपों पे टिकने वाले आगे याद, हम चलो रूपों का चिंतन करते हैं, बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन रब ने एक नियम बना दिया, मैं क्या करूं, आपके खड़े हो, पूछो मेरे से, झकझोरो मेरे जैसे को, क्योंकि बड़ा इंकलाबी विचार। कृष्ण कहते हैं, दुनिया बनाने वाला कहते हैं मेरी भगवती, अगर रूपों का चिंतन, चाहे मां बाप, बहन भाई, पति पत्नी, या गुरुदेव जी, या देवी देवता है, इनको इस रूप में चिंतन करेंगे, आगे एक बीमारी लग जाएगी, या ये बीमारी ना लगती फिर सोचना बुरा ना होता, क्या होगा, राग द्वेष शुरू हो जाएंगे। लगाया जो महसूस से मन, ताल्लुक पड़े उनसे, और ताल्लुक से ख्वाहिश कहो, फिर तो ये गंदी वृत्तियां शुरू हो जाएंगी। मां का भरोसा करो, चाहे बार बार चिंतन, मां में आपका मन गहरा उतरता जाएगा, मोह पैदा होता जाएगा, वासना पैदा होती जाएगी, मरो अब। हाय हाय,
जो जो माँ में बढ़ेगी मोह किसी से द्वेष भी हो जाएगा, चाहे चाची हो चाहे बुआ हो चाहे कोई और, जरूर द्वेष होगा। यार रब ये न बनाता फिर हम चिंतन कर लेते, पर परमात्मा ये नियम बनाया है कि अगर संसारी पदार्थों का चिंतन करोगे राग द्वेष पड़ेगा। इसको काटना चाहते हो काटो, काटो भी चक्स रगड़ो अपनी अकल को, आए किस लिए यहां पर, ये रामायण नहीं, ये भागवत पुराण नहीं, ये कोई और पुराण नहीं है, ये तो भगवत गीता है जिसको रब कह रहा है। ज्ञानों का ज्ञान, आगे क्या कहूं, राजों का राज। ध्यान देना सजनों, ओ देवियों, गीता इज इक्वल टू भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ज्ञानों का ज्ञान राजों का राज। इस राज पर गौर कर, तवज्जो से तू इस राज पर गौर कर। भगवान कहते बड़ी गहराई में उतर कर इस ज्ञान को जानने की चेष्टा कर। ये राग देश में आदि फंसे, अब मोरा इंसान जब इसका यूं हमें किसने बताया, हम जी भर के घंटों चिंता करते हैं किसी रूप को लेकर। यही आके मुझे घाट पड़ती है कि भगवान जब हम मां के पेट में आए थे जीव 4.5 महीने के बाद आता, ये घुट्टी पिला देते, अंदर तो वो खुद ही रहती है कि मेरे संसार में जाकर पुत्र मेरा चिंतन करना, ये परमात्मा बता देते। मैं तो कई बार कह चुका पत्नी में बेवकूफी कर रहा हूं या अपना प्यार बता रहा हूं या अपनी सहानुभूति प्रकट कर रहा हूं, जाने मेरा रब ते जाने उसका कम, रहा नहीं जाता मुझे दुर्दशा देखकर जहान की, कि सिर्फ परमात्मा इतना बता देते दुनिया में जाकर। क्योंकि भगवान ने हमें एक विशेष गुण दिया है, कौन सा गुण, सोचने का, ये थिंकिंग फैकल्टी केवल भगवान ने मनुष्य को दी है। ये तो ठीक है शानदार, लेकिन क्या सोचना है ये नहीं ना रब ने तमीजी दी। सिखाना तो इंसान को ये तो ठीक है थिंकिंग, जब जिस रब ने ये सोचने की ताकत दी थी वो ये भी बता देता कि संसार में जाके क्या सोचना है। क्योंकि यहां आप क्या करके, दो प्रकार के पदार्थ है, जड़ और चेतन। मैंने जड़ के बारे में सोचना है या जो जड़ को चला रहा है उसके, यही से इंसान ने मार खाई जब उसको ये नहीं पता लगा थिंक टू हूम, जड़ के बारे में सोचूं या जड़ में जो छुपा हुआ उसके बारे में सोचूं। ये पॉइंट पकड़ लो, मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं इस पॉइंट को पकड़ कर। यही से नर नारी मार खा रहे हैं, हम सोचती है 99% रूपों को सोचती, सोचना चाहिए जो रूप को चला रहा। बस देख लो रब ने क्या कहा, जायल हुई अकल, कि जो यूं सोचेगा राग द्वेष पैदा होंगे, वृत्तियां दूसरी पैदा हो जाएंगी, बुद्धि पर आवरण आ जाएंगे, बुद्धि काम करना छोड़ देगी, जायल हुई अकल आया सवाल। देख लो ये कमाल, आप काट ही नहीं सकते इस बात को, सोचो रूपों के बारे में, तो फिर या तो ये दावा करो कि मैं रूप के बारे में सोचू मेरे में राग नहीं उठता, मेरे में द्वेष नहीं उठता, ये कभी हो ही नहीं सकता। आप कहेंगे नहीं तो सोचोगे ही नहीं फिर। राग के आधार पर ही मन सोचता है, मां को बाप को बहन को। अगर कोई आपका चिंतन कर रहा है मेरी बेटी, राग के आधार पर, वरना चिंतन ही बंद है। ये और दिलेराना ऐलान भगवान जी का, आपका सुनो ये राज, राज की बातें जो अनमोल है, रुपयों में नहीं खरीदी जा सकती, मोतियों में, हीरों में, पन्नों में नहीं खरीदी जा सकती, भगवान के प्रति श्रद्धा हो तो ली जा सकती। श्रद्धा का खजाना देने से ये बात पता लगेगी है। राग के बिना कुछ सोचो जरा, किसी विचार ही नहीं करेंगे, राग के बिना बुद्धिमान बुद्धि आगे चिंतन नहीं करती। जैसे हम पेट्रोल डालेंगे किसी गाड़ियों में तो गाड़ी का इंजन चलेगा और पहिए भागेंगे, इससे इसके अंदर राग होगा तो चिंतन होगा, राग ने चिंतन नहीं करता। और सुनो, और राग कब होता है, जब पदार्थ को सुखदाई समझा जाए। ये परमात्मा ने बड़ा हमारे पर उपकार किया, संकल्प प्रभवान कामान, छोटी सी ये लाइन है पर इसने गजब उठा दिया। संकल्प, जब आप पदार्थ के बारे में संकल्प करते, बड़ा अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुखदाई है, मेरे पास आना चाहिए, कामना खड़ी हो गई, दिन रात एक कर दोगे। ये तीन शब्द है, संकल्प, संकल्प से प्रभवान पैदा होता है, कामान कामना, आपने संकल्प करके सुख दृष्टि बना ली,
लो अब आप में तूफान खड़ा हो जाएगा विचारों का, कामना। तो अगर हम इसके बाद इस भी देखें, अब देखिए कितनी मूर्खता है, हम कितने पढ़े लिखे हैं, अपने नाम के साथ कितनी शौक से डिग्रियां लगाती हैं, कोई बीए है तो चल बीए लिख दे, उस बीए को दो तीन बार 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 लिखेगा, बी मोटा करके एक बार पेन और चलाएगा, वे अन्ना भी जान लेख में बीए हैं, तो कौन सा रुस्तम बन गए बीए होगी, पर नहीं डिग्रियां शो करते हैं, हम लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। प्रकृति को भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, यूं फरमाते हुए अनित्यम असुखम, अनित्य गए दुखदाई है। कितना गजब ढाते, कितना कमाल करती हैं आपके कृष्ण, खुद दुनिया बनाने वाले, खुद दुनिया चलाने वाले, खुद दुनिया का पालन करने वाले, खुद जीवों को अनेक बनाने वाले, और हमारे जैसे कल्याण कामियों कहती है कल्याण करना है जी प्रभु मेरी संसार को, ये पहला पाठ दिए जिस आपने से जो कल्याण करना चाहती है, मेरे संसार को पहले ठीक समझ ले, यहाँ की कोई चीज टिकने वाली नहीं, देख रहा हूं प्रभु तो नियम है, जो चीज ना टिकने वाली वो दुख देती है, है। आप बेटी है ना, कितना सुख देती है माँ बाप को, लेकिन जाती बार कितना माँ का कलेजा, जो कोई माँ से पूछे बाप से पूछे, कितना दुखी होता है। फिर जब तुम ब्याह जाती हो, शायद कोई बेटी सुख दे रही, भगवान की सुख देती रहो, जरा सा आपको क्लेश हुआ, माँ को सपना भी आ जाता है, आज मेरा मन दुखी हो रहा है, आज मेरी बेटियों कुछ है, कलेजा एक है, खून एक है, खून में सेल अर्थात जीवाणु एक है, कितने दुख होता आप लोगों से, मां को पिताजी को कितने रोती हैं, वो जो चीज जाने वाली है वो दुख देती है। अगर कोई बेटी सुख दे रही है तो बहुत अच्छी बात है, आप जाने वाली है ना दुख देंगे, ये नियम जी, जो चीज जाने वाली है वो दुख देती है, काटना चाहते हो काटो, अगर शरीर के साथ ममता रही, ये जा रहा है, ये आपको रुलाएगा, बार बार नारी के गर्भ में डालेगा, सिद्धांत है को फिर रुकाओगे, जो चीज जाने वाली है वो दुख देती है, पकड़ लो, हम पकड़े बैठे अपने मन के अंदर, सिर्फ हम पकड़ेंगे तो लानत की बात है, हम आपको पकड़ाने आए हैं, जाने वाली चीज दुख देती है। सुनो नेक जीवो, ये गीता का सत्संग है, मेरी देवी ये मेरे भगवान कृष्ण के जगत गुरु के नाते से सत्संग है, ये बाल कृष्ण का सत्संग नहीं, ये कन्हैया का सत्संग नहीं, ये मोहन का सत्संग नहीं, ये यशोदा का लल्ला का सत्संग नहीं है, ये जगत गुरु भगवान कृष्ण का सत्संग है, वो भगवान के और रूप है, लल्ला मोहन कन्हैया माखन चोर, वो और एस्पेक्ट है भगवान का, हम ले रहे हैं भगवान कृष्ण एज दी बेस्ट वर्ल्ड टीचर, भगवान कृष्ण जगत गुरु के रूप में, यहां जो आपको समझाया जा रहा है भगवान कृष्ण इज इक्वल टू जगत गुरु के रूप में, जिससे बहुत ज्यादा लाभ होता है, खुद कृष्ण कहते हैं नहीं शायद जहां में कोई ज्ञान सी करे पाक फितरत जो इंसान, इसको दिन में एक बार तो पढ़ लिया कर, ज्ञान से बढ़कर अंतःकरण को निर्मल करने का और कोई साधन नहीं, ज्ञान असलियत, ज्ञान इज इक्वल टू असलियत की पहचान, कोई और अर्थ लगाएगी मां दीदी है तो गलत कर लेगी, और अर्थ ना लगाना, देखो मैं एलानिया कह रहा हूं, ज्ञान इज इक्वल टू यथार्थता की पहचान, असलियत की पहचान, टू नो द रियलिटी इज इक्वल टू नॉलेज, नॉलेज के कोई और अर्थ करोगे थप्पड़ खाओगे अपने मन द्वारा अपने तन द्वारा जलील हो जाओगे, बाबा एक फिर बता, ज्ञान जी असलियत की पहचान, ज्ञान वास्तविकता की पहचान, ज्ञान टू नो द रियलिटी, टू नो द रियलिटी ऑफ व्हाट ऑफ नेचर एंड गॉड, हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा, ये कृष्ण कह रहे हैं ये ज्ञान है जो असली है अर्जुन, यही खिलाफ इसके जो कुछ अज्ञान, हमने मिट्टी पाई अंगारे पाए सिर में, हम तो अज्ञान कुछ और समझते रहे, हमें ये पता ही नहीं लगा ज्ञान क्या है, अब महाराज जी कृपा करके बता रहे हैं मेरी देवियों असलियत की पहचान का नाम ज्ञान है, अब असलियत क्या है, जो चीज जाने वाली दुख देती है, चाहे अपनी काया और चाहे माया, काया अपने शरीर हो गया प्लस माया का मतलब, कोई आप बतलाए आप में से कोई पूछता हूं, कोई राज होता है जो पूछता हूं आपसे, काया तो ये हो गया, हमारे पास दो ही चीजें हैं,
काया प्लस माया, माया किसे कहते हैं? धन दौलत और काया माया, माया क्या? नाम रूप संसार और ओ मेरी रमली कमली देवी, और क्या कहूं ना सियाणे ना कमले, नेक जीवो। शाबाश सैनी जी, बहुत अच्छे। अब मेरे जैसे सुन लो और ना भूला करो, अपने कल्याण की कसम मैंने कई बार बताया, मैं तो टेल लगा के जाऊंगा, पूरा प्रचार करके समझा के जाऊंगा। काया तो आप समझते हैं, ये जो काया हो गई, ये काया माया क्या है? जो प्राणी पदार्थ आपके पास है, आपके अधिकार में है, आपके पोजेशन में है, और आप इनका प्रयोग करती हैं, व्यास जी पिता कहते हैं केवल वही माया आपके लिए है। अरे रब दी माया नहीं, रब दी माया रब संभाली रखे। जिन प्राणी पदार्थों का आप रोज प्रयोग करती हैं वो आपकी माया। हाय हाय, अरे इस कंघी मार के आई कर पानी डाले, कंघी मारी जोर दी, माया ये नहीं, ये नहीं तंग करती, वो माया जो हमारे पास प्राणी पदार्थ, माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, पति देव है, पुत्र है, धीया है, धन है, पदार्थ है, जो हम जिनका हम प्रयोग करते हैं, जो हमारे पोजेशन में है, जो हमारे अधिकार में है, वो बाकी काठ मारना हम नहीं क्या करने इनको, ये तो उसकी माया है, हमेशा रहेगी। हमारी जीव की माया जो ये चीजें अपनी बनाए बैठा है और ये जाने वाली है, यही जीव को रुलाती पिटाती सिताती। हमें कोई वृक्ष थोड़ा रुलाते पिटाती है, या बादल या धरती या लाइने या कोई अड़ोसी पड़ोसी या किसी की रक्षा या स्कूटर या कार, ये थोड़ी रुलाते पिटाते, ये किसी की भाभी या भरजाई या कोई और, जिन पर हमने अपनी छाप लगा रखी है, जो हमारे अधिकार में, हमारे अलिंगन में है, हमारे आगोश में, हमारी एम्ब्रेसमेंट में है, वो उनको हम कहेंगे माया। अब तो समझ आओ ना, रब दी माया नहीं, उस माया को रब कह रहा है, कहां इससे इंसान कोई पार हो, फकत पार मेरे परस्तार। ये माया हमारी वही माया है। तो काया और माया ये जाने वाली चीजें हैं, काया भी जा रही है हाँ, और जो आपके पास है वो क्या रहने वाली है? नहीं। अगर इसके बारे में सही समझ लिया जाए, इसको ज्ञान कहते, काया प्लस माया की यथार्थ जानकारी का नाम, ओ नेक जीवो, ओ गीता की कदर करने वालों, ओ कृष्ण को जगत गुरु देख करके सिर झुकाने वालों, वो है ज्ञान। असली ज्ञान मेरी देवी ये है, इसकी जिसको पहचान हो गई हाँ, वो अपना मन इनसे हटा लेगा, काया से भी हटा लेगा, और माया जो चीजें प्राणी पदार्थ है ये थोड़े प्रयोग नहीं करेंगे, प्रयोग करेंगे लेकिन विचार बदल जाएंगे, काया भी मेरी नहीं, थोड़ा विचार बदलना है, और जो मेरे पास है वो भी मेरे भगवान की अमानत है। हाँ, इतनी सी बात पक्की करने के लिए कितना मरना पड़ता। वो अनुभवी दृष्टांत क्या कह रहा है बापू? पांच तत्व का तन रचियो, ये सारी चीजें जो भी शरीर, ये तन नहीं कि मेरा तन, जितने भी 84 लाख यूनिया के शरीर है, अर्थ ये निकालना कि ये 3.5 हाथ वाला नहीं, बल्कि ये सारा संसार में जितने नाम रूप है ये पांच तत्वों से बनी है। देखने जरा आगे, जानियो चतुर सुजान, शाने बनकर एकांत में बैठकर गढ़ाई में जाकर सुजान इस बात को जान ले। गढ़ाई में जाएगा तब, एकांत में बैठेगा तब, सुजान शब्द ने कमाल कर दिया। शाने बन के एकांत में बैठ के इस बात को जान कि जितने भी ये रूप 84 लाख के हैं ये पांच तत्वों से बने हैं। हा आगे देखिए, जही ते उपजो नानका, पाशाही पहली कह रही है जही क्या, जिससे ये पैदा हुए थे। आएगा गौर करना, और नहीं पाठी परवाह करते गुरुद्वारों में, अगर नहीं कदर जा की जा रही तो आप तो कर लो, आप तो कल्याण कामी हो। देखिए सिद्धांत, जही ते उपजो, जिससे उपजो उसके शब्द है पैदा होना, उत्पन्न होना, प्रकट होना, जिससे उपजो, जिस परमात्मा से ये सब कुछ पैदा हुआ है, लीनता ही मेहमान, सब उसी में चीजें जा रही है। जोर की ताली, जोर की ताली, जोर की ताली, जोर की ताली। ये सिद्धांत है मेरी देवी, मेरे सज्जनों। फिर मैं मन खींच रहा हूं आपका, जही तो उपजो,
ये वस्तुएं जहां से पैदा सिद्धांत है, ये जहां से पैदा हो रही है अपना काम करने के बाद, लीन ताही में मान के मान ले के उसी में वापस जा रही है। तो फिर सच्चाई क्या हुई? यही ते उपजे हो जिससे खुदाई हुई वो सच्चाई है, जिससे खुदाई हुई जो सारे जहां पे गए छाई। ये पकड़ लो आप, अब ना पकड़ो तो फिर मैं क्या करूं। इस कितने क्लियर किया है अनुभवियों ने और भगवान कृष्ण ने। कोई अगर गुरुद्वारों में विचार कर तो मैं कब बरसों इसी पंक्ति पर बोलता जाए और इसका अंत ना होने पाए, सिर्फ इसी पर जही ते उपजो नानका लीन ताही में मान। सारा संसार जहां से पैदा हुआ है अपना काम करके उसी में लीन होता जा रहा। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे नियम जी है कि भगवान से सब पैदा हुआ है, हाँ अपना काम करके भगवान में जा रही हूं। तो फिर सच्चाई तो भगवान हो गई। बिठा लो ना अपने मन में, हमने बिठा लिया है, आप बिठा लो कि सच्चाई तो केवल एक भगवान है। बाकी ये जो अनेक है ना, अनेक काम करे, अब जैसे अब अपना काम कर रही हो, अब आप बेटी के नाते से काम कर रही हो, भगवान चाहते आप करो करो, फिर भगवान चाहते पति बनने आए, पति बन के काम कर 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 कर, भगवान चाहती है, मैं सच्चाई से कह रहा हूं, पति बन के काम कर। अच्छा अब तू मां बन गई, अब भगवान चाहती है मां बन के काम कर है, अब आप में वैराग आ गया, कल्याण की इच्छा हो गई, अब भगवान चाहती है वैरागन बनकर कल्याण कामनी बनकर जुट जा लग जा। और कल्याण कामनी का मतलब एक का चिंतन करना, पहले अनेक का है, मेरे मात है, मेरे बात है, मेरे भाई है, मेरी बहन है, मेरे जीजा, पहले अनेक में रहे, अब हम कह रहे हैं एक, अब हम एक में आ गए। जब भी हम कल्याण करना चाहेंगे अनेक से तंग आके एक में आ जाएंगे। चाहते कल्याण का मतलब ही यही है, अनेक से हटो एक में आ जाओ। क्यों? चूंकि अनेक अपना काम करके वापस जा रही है, लीन ताही में मान, जहां से ये आए गए वहीं वापस जा रहे, गोइंग बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस। पकड़ लो नेक जीवो, पकड़ लो अपने असली स्थान की ओर जा रही है। ये सिद्धांत है, इसको कोई काटने की जरूरत ही नहीं कर सकता। थर थर कांपेगा अगर कोई काटे इस सिद्धांत को, तो जो वस्तु अपना काम करके वापस जा रही है, तो फिर वापस जिसने बनाया है, जो चला रहा है और जहां चीजें काम करके वापस जा रही हैं, बस वही एक सच्चाई है। इसको पकड़ लो, मेरा सुनाना सफल, आपका आना सफल, कि अनेक जिसने बनाई भगवान ने, और अनेक किसके अंदर काम कर रही, कोई ऑपरेटर होना चाहिए, अनेक नहीं काम कर सकती, कोई ऑपरेटर ना हो। आप इतने आए बैठे हैं, अगर मैं ऑपरेट ना करूं तो खप बचाओगे, उठोगे, इधर जा। एक ने अनेकों को ऑपरेट कर रखा है, बिठा रखा है, और मुझे उस एक ज्ञान ने बिठा रखा, मेरी बुद्धि को, मेरे मन को, मेरे तन को 2 घंटे जमा देता है। कौन? भगवान का ज्ञान। और भगवान का ज्ञान बजाते खुद भगवान, उसने सारी सृष्टि बना रखी है। एक के ऑपरेशन में आप सारे हैं ना, इसी तरह लगाइए अनेक को, अनेक नहीं काम कर सकते, याद रखना, जैसे याद देखकर इतने अनेक को, इतने और भी आ जाए, एक कंट्रोल करेगा, उसको कोई ऑपरेटर होना चाहिए। इसलिए सारे संसार का ऑपरेटर भगवान जी है, वरना अनेक काम नहीं कर सकते। ये भी एक सिद्धांत है, अनेक को काम लेने वाला एक जरूर चाहिए। घर में देख लो, दफ्तर में देख लो, हाँ मंदिर में देख लो, यहां देख लो, देवी देवताओं में देख लो, इतने देवता एक जरूर बड़ा चाहिए, इंद्र है, घर में अनेक है, पिताजी हेड ऑफ द फैमिली जरूर चाहिए, वरना नहीं काम धर्म बरम हो जाएगा। सुनी नहीं कहावत, तू भी रानी ते मैं भी रानी, फिर कौन भरेगा घर का पानी? घर तो तय नहीं हो गया, तू भी वटकी बन जा, मैं भी वटकी बन जाऊं, तो घर सारा बर्बाद, घर सारा नाश हो गया। शाबाश, घर में स्वर्ग तब होता है, बड़ी बोई कहो मेरे जिम्मे लगा दो मैं ये काम करूंगी, छोटी बहू कहे मेरे जिम्मे लगा दो। अवल तो आज वो वक्त आ गए, शादी करो और बाहर निकालो इनको सारों को, भले ही मेरे कहने का रज के बुरा बनाओ, लेकिन वक्त आ रहा है, आपको मजबूर कर देगा, शादी करो, बच्चे को, बच्चे गेट आउट, पहले कह दो, अब जॉइंट फैमिली का वक्त नहीं रहा,
करो शादी, इनको अलग कर दो। पहले प्रबंध हो जाना चाहिए शादी के बाद ये अलग रहे। घर नरक बने पड़े। पहले हमारे घर में धार्मिकता थी ज्यादा, आजकल धार्मिकता से अनेक भी एक लगते थे, आज धार्मिकता उड़ती जा रही है। इस तरह एक पुत्र भी अपने मां बाप के पास नहीं रह सकता। लख लानत, लख लानत, लख लानत। एक अपने पेट का भी स्वर्ग बना के आपके साथ ही रह सकता। क्यों? पहले धार्मिकता ने जोड़ा रखा था, आज धार्मिकता उड़ती जा रही है। छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना लेते हैं, इतनी इतनी इस बात का बतंगड़। पहले बड़ी बड़ी बातों को भी बेटे नहीं महसूस करते थे और ना अपनी पत्नी को महसूस होने देते थे, क्योंकि वो अपना पार्ट धर्म के नाते से मां के साथ बाप के साथ बराबर पार्ट प्ले करते थे। आजकल वक्त नहीं था। आज तो शादी करो अलग, शादी करो अलग, जॉइंट फैमिली या संयुक्त परिवार का समय अब नहीं रहा। खैर, तो जहां अनेक होगा वहां एक चलाने वाला जरूर रहेगा, तब घर में स्वर्ग रहेगा। ये नियम जी कहीं भी आप नजर मारोगे, अनेक अगर काम कर रहे हैं तो हम कहें कौन है इनको काम, सुपरिटेंडेंट कौन है, ऑपरेटर कौन है, ऑर्गेनाइजर कौन, ये शब्द बने हुए हैं, ऑर्गेनाइजर कौन है, ऑपरेटर कौन है, सुपरिटेंडेंट कौन है, हाँ, या आप कहोगे वर्क मैनेजर कौन है, वर्क मैनेजर इतने को कौन, किसने कंट्रोल कर रखा है। आपने हरियाणा ले लो, हाँ, कौन ही सारे हरियाणा का स्टेट का बड़ा चीफ मिनिस्टर, अच्छा तो भाई अलग अलग काम, इनका मिनिस्टर कौन है, मिनिस्टर का मतलब बच्चे जो अलग अलग काम है उनके ऊपर उनको ठीक देखभाल करने वाले, ये स्कूल है हेडमास्टर कौन है, ये क्लास है इंचार्ज, देख लो मैं क्या बोलता जा रहा हूं, ये स्कूल है हेडमास्टर कौन है, ये क्लास है इंचार्ज कौन है, कोई ना कोई एक बड़ा बोलोगे तब कंट्रोल होगा। है ये इंचार्ज है, ये किसके अंडर है, हेडमास्टर के, है शाबाश। इस तरह सारी सृष्टि उस एक के अंडर है और हमारा वैदिक धर्म कह रहा है बस केवल वही सत्य है, ये अपना काम करके वापस जा रही है। ये बार बार बिठाइए कि परमात्मा ने सृष्टि बनाई, इनको चला रही है और चला के ये वापस जा रही है, एक वही जात सत्य। अब हमारा मन क्या होगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं, आपको अभ्यास करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। खाम जैसे मैंने अपना देखा, मैं तो वही बोलूंगा जैसे मुझे परमात्मा ने अनुभव करवाया। खाम खा मन उस एक का चिंतन करेगा, चाहे मैं माफ कर रहा शौच कर रहा हूं, पेशाब कर रहा हूं, या मैं स्नान कर रहा हूं, या मैं कहीं टहल रहा हूं, या मुझे नींद नहीं आई तो मैं करवटे बदल रहा हूं, ध्यान वही रहेगा। अब ध्यान जाए कहां? जब ये निर्णय कर लिया एक ही सत्य, सब चीजें जा रही है और जाने वाली दुखदाई होती है। अब मुझे कहने की जरूरत है कि मन को समझाऊंगा हरे कृष्ण कहे है? ये होता है नेचुरल जाप, प्राकृतिक जाप। बाकी अगर ऐसा लांति मन ना हो या ना ज्ञान से समझाया गया हो तो सौ माला फेरी करा दिन में, ताकि अभ्यास ये किए, ये इससे बड़ी देर लग जाएगी। हट करके दस माला फेरनी, सौ माला फेरनी, मन को बिठाना, मन कहीं और जा रहा फिर बिठाना, तो पहले क्यों समझा दो मन जाए कहां, मरने वाला कहां जाने, ये सारी चीजें जाने वाली है और जाने वाला दुखदाई होता है। दुख तो मुझे चाहिए नहीं, तो फिर सच्चाई एक है जिससे खुदाई हुई, ये सारा कुछ उन्हीं से चला रहा है, वही संचालक है। लो अब अपने आप ही वृत्ति वहां टिके रहेगी। मालिक मेरे प्रभु, मेरे मालिक, मेरे परम पिता, मेरे कृष्ण, ओ मेरे दाता, अपने आप ही नेचुरल बेटी, नेचुरल, चाहे हम कहीं भी हूं मन वही रहेगा। कुछ भी हम काम कर रही हूं लेकिन मन खींचा रहेगा। परमात्मा यही उपदेश देना चाहती है, तान काम में मन रहे। पकड़ लो इस पॉइंट को, मैं पकड़ी बैठा हूं, मेरे कहने का जरूर असर होगा, मेरी भगवती मेरे कहने का जरूर प्रभाव पड़ेगा। बड़ा मजा आता है फिर तान काम में मन रहे। मन अब जाए कहां, वही टिका पड़ा है, वही रस ले रहा है, भवरे की तरह जैसे फूलों में बैठ के वो रस लेता रहता है, मन रस लेता रहता है। तन द्वारा जो हमारी जरूरी काम, जरूरी काम को बोलते हैं कर्तव्य कर्म, बड़ा प्यारा शब्द है अपनी राष्ट्रभाषा का, कर्तव्य कर्म, ऑब्लिगेटरी एक्टिविटीज, ऑब्लिगेटरी एक्टिविटीज, हाँ बस वही करवा, बाकी आप छुड़वा लेगा। कितनी शानदार आप लोक परलोक बना लेंगे, भगवान का चिंतन हो गया, ये परलोक बन रहा है। हाँ, ये जो लोक में जो हम काम, जो हमारी जिम्मेवारियां हैं, ये हो गया लोक परलोक बन रही है। तन काम में लोक बन रहा है, मन रहे ध्यान में परलोक। कई सवाल करते हैं लोक परलोक कैसे बनेगा, मेरे से लो, अगर मन में चिंतन असलियत का हो रहा है परलोक बन रहा है, और तन द्वारा ये जरूरी काम पूरे हो रहे हैं लोक बन रहा है।
और ये दिन ब दिन कम होते जाएंगे सज्जनों। ओ मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, इन लोग के धंधे दिन ब दिन कम हो जाएंगे। कोई मर जाएगा, कोई चला जाएगा, किसी की शादी हो जाएगी, कोई रुठ जाएगा, कोई कुछ, ये दिन ब दिन और भी कम और भी कम, ये बढ़ता जाएगा। अंदर वाला और भी रस देगा, और भी बढ़ जाएगा, बाहर के कम हो जाएंगे। वाह वाह मेरे कृष्ण वाह, ये न्यूनतम हो जाएंगे, वो अधिकतम हो जाएगा। जो अंदर वाला है वो मैक्सिमम हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगी। तन काम में मन रहे, जब आपने असलियत की पहचान कर ली बेटी, जब आपने असली बात जानी कि एक ही सत्य है, बाकी सब बखेड़ा थोड़ी देर का है और जाने वाली चीज दुखदाई होती है बेटी। नियम क्या है? अनित्यम असुखम चलाए मान, हां मेहमान चलाए मान दुख देने वाली होती है। जो चीज चलाए मान है, चाहे काया चाहे माया, इसलिए दाना आदमी पहले ही अपना मन हटा लेती है। सियाना आदमी पहले ही चलाए मान से अपना मन खींच लेगा, कर्तव्य करता रहेगा, मन उलझा के नहीं, मन सुलझा के, मन को ध्यान से हटा के एक तरफ करके, आहा एक तरफ। जैसे सियाने मेरे बच्चे, सियानी मेरी देवियां गंगा जी जाती हैं तो जंजीर पकड़ के नहाती हैं, क्योंकि जोर का पानी जा रहा है, जो चलाए मान दुखदाई होता है, पानी जोर का जा रहा है, डूब मरोगे कहीं, जंजीर पकड़ लेती हैं। इस तरह संसार में हर चीज जा रही है, रब कहते हो मेरा सहारा ले ले, तन काम में मन रही ध्यान में, मुझे पकड़ के अब काम कर। हाय हाय, मैं नहीं भूल सकता, मैं इसको नहीं भूल सकता, मैं इस स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। कितना बढ़िया तरीका है मेरी देवियों, मेरे सज्जन, वरना हम डूब जाएंगे गंगा में, अगर जंजीर ना पकड़े तो। संसार में हम कहीं ना कहीं वृत्ति में डूब जाएंगे अगर मालिक का चिंतन ना करें तो। हमारी वृत्ति हमें खींच के ले जाएगी काम में, क्रोध में, मोह में, लोभ में, हेयर देयर एवरीवेयर, कहीं ना कहीं उलझ मर जाओगे। पर अगर मन में चिंतन प्रभु का होगा, बस फिर ऊपरले से ऊपरले मन से कहा, जैसे 100 बार गोते मार लो संजीव पकड़ के, जबकि आप हर की पौड़ी पर जा चुके हैं। इस तरह संसार की पौड़ी में जब आए, असलियत में मैं क्यों नहीं कहूंगा हरे कृष्ण जपो, नहीं ये गलत है, छोड़ दोगे, 100 माला जपो ये बकवास है, मैं नहीं मानता इस बात को, ये तो हट हो गया। और कृष्ण आपको कह रहे हैं, यहां जबर से काम, इंसान फितरत बदलता नहीं, यहां जबर से काम, उनके शब्द है, निग्रह किं करिष्यति, कब तक हट कर लेगा, कब तक तो हट करेगी, 2 दिन 4 दिन 5 दिन फिर वहीं आ जाएगी। इसलिए पहले समझा, हट करे क्यों, समझा क्यों ना ले, पहले क्यों ना समझा दे उसको, बच्चे को मार के स्कूल भेजने के बजाय समझा दो, पुत्र जी जाएगा ना, हाँ सियाना बन जाएगा, फिर ना मेरी तरह बड़ा अच्छा बन जाएगा, फिर किसी के मुताज नहीं होगा। पहले समझाओ, शिक्षा का महत्व बताओ, क्यों बच्चा स्कूल जाए, वरना बच्चे वो देख फकीर, और देख क्या कर रही है, पैसे मंग दे पैन, क्यों मंग दे पैन, स्कूल नहीं गए, ये पढ़ है, है पापा स्कूल नहीं गए, जा भाई आ 10 ले ले, दे दे काका, एक बात तो बता, तू पढ़िया नहीं, नहीं इसलिए इसलिए मंगता बन गया हूं, पुत्र मंगता बन नहीं, पिताजी अब आपको हट करने की जरूरत ही कोई नहीं, बेटा खुद कहेगा मां मुझे तैयार कर मैं पढ़ने जाऊं, आपने महत्ता बता दी। ये 6 साल बच्चा भी इस तरह कर सकता है अगर आप हट ना करो, असलियत बताओ, महत्ता बताओ, इंपॉर्टेंस बताओ, वाई गोइंग टू स्कूल, वाई मारना, थप्पड़ मारना, गाली देना, मर जा भेड़िया, चूल्हे दा मुनिया, क्यों पैदा हो गया, इससे क्या महत्ता, क्यों जाना जा? मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता, आज छुट्टी है, क्या छुट्टी है, मास्टर जी मां मर गई है, ले एवे मर गई है, काम का झूठ बोली जाते, आज फलाना मर गया, क्या तुझे रात को सपना आया, तुझे क्या आया, नहीं कोई मर गया, आज मैं नहीं जाता, पता कर क्या होता मैं जाऊंगा, कोई अपने महत्ता नहीं बताते। यही हाल हमारे अबोध मन का है, क्यों मन भगवान में लगाए, ऐसे समझाओ परमात्मा का, सम जल्दी अपना कल्याण कर जाओगे, और मैं इन्हीं नेत्रों से देख के अपने परमात्मा में चला जाऊं।
मेरी आंखें तरसती हैं इन पौधों को बड़ा होते हुए देखने के लिए। बड़े जल्दी आपका मन मेरे मालिक में आ जाएगा। हाथ ना करो, समझा दो, उसकी महत्ता बताओ, क्यों भगवान का भजन करें, इसी में सब कुछ है और बाकी इसमें है कुछ नहीं। यूं समझाओ जैसे बच्चे बच्चे को समझा दिया गया, बच्चा अपने आप स्कूल जाएगा, मैं नहीं भिखारी बनना चाहता, मैं नहीं मंगता बनना चाहता। बच्ची स्कूल नहीं गए, इन्हें पढ़े नहीं, हाँ कोई इनको गालियां देता है, क्योंकि जाओ जा आगे जा, नहीं मैं नहीं ऐसे करना चाहता। फिर बच्चे पढ़े कर, मैं जरूर जाया करूंगा। आगे महत्ता उसके मन के अंदर, इसी तरह महत्ता मन को दिखाओ। मन में बार बार मर नहीं, बार बार जन्म नहीं, बार बार गर्भ में आना नहीं, बार बार आधी व्याधि के चक्कर काटनी नहीं। फिर कर भजन भगवान का, मेरा कल्याण हो जाएगा बिल्कुल, सब प्रकार का सुख शांति आराम। और देख तेरे भगवान तेरी कल्याण के लिए कह रही है, क्या कह रही गई, अगर मुझको मन में हर रोग से पार जा। देख तेरे प्रभु कह रही है, और देख तेरे कान पकड़ के कह रही है, क्या सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से। एक श्लोक की सियाने आदमी के लिए बहुत ज्यादा, एक श्लोक के 18वें अध्याय के अखीर में जो प्रभु ने कहा, वाह हमारा घर पूरा कर दिया, सियाने का घर पूरा हो गया। बस कोई कोई ज्यादा बोल रही हो ना, और मेहमान आए बैठी हैं, तो मां बैठी है इधर, इधर मां बैठी है, इधर धियां बोल रही हैं, तो मैंने देखा तो कोई मां उठेगी नहीं, पिता नहीं उठेगा अगर आपने ऐसा किया हो तो। ज्यादा एक कुछ आप बोलती जा रही है, लेकिन माँ को बुरा लग रहा है, तो अब वो मेहमान मेहमान भी इधर बैठे हुए हैं इधर उधर, अब माँ चाहती है बकवास ना करे, तो सिर्फ माँ चुपके से धी को, इतने काफी है ना, मैं इतना ही अपने हाथ यू रख लगी, भेड़िए चुप कर जा, मैं इतना ही एक उंगली उठाई, और ये इसमें कितनी ताकत है सिर्फ इतना कहने में, इतना ही पिताजी सिर्फ इतने कह देते थे, जरा आंखें बदल देते थे हम थोड़े चुप थोड़े से जी काका बस जो मैंने कह था कह दिया, तो मां ने इतना ही कह दिया। हाय भगवान, थोड़ा सा आप जैसे दानवों के लिए भगवान का इतना श्लोक ही काफी है। मेहमान आए बैठे हो तो बेटे इतना ही होता है, मां मुंह चढ़ के नहीं बोलती, पिता मुंह चढ़ के नहीं बोलता, सिर्फ उंगली यूं रख देंगे या यूं कर देंगे। आपने मां भारत देखी है तो कितनी बार भगवान कृष्ण ने इशारे से कंट्रोल किया है, अर्जुन को इशारा समझाया, भीम को इशारा समझाया, जरासंध के टुकड़े करवाया तो सिर्फ इशारे से एक तीला उठा के तीले को यूं कर दिया, इशारे इशारे देख जाओ कि कैसे ऐसे हो रहा है। अगर दुर्योधन को मारना था तो बार बार कड़े लगे, बार बार वो तो मां ने वज्र का बना दिया था, किसको, दुर्योधन को, सारा शरीर वज्र का, और मार लाए और मार लाए, उठते मर गया मैं मारी जा रहा हूं तो इस पर असर ही नहीं होता। अब भगवान ने कहा ये तो हार जाए, और सच्चाई की जीत कैसी होगी, सच्चाई की धर्म की जीत कैसी होगी। अब भगवान को सूझी क्या, ए भीम शाबाश पिता, शाबाश शाबाश पिता, शाबाश शाबाश, याद करवा दिया बार बार अपनी जांघ धोती के ऊपर मार मार के, इसकी जांघें कच्ची हैं, मार इसके ऊपर, मुंह से तो नहीं कहा जांघों पर हाथ, शाबाश अब तू जीतेगा, अब तू जीतेगा, ये इशारा। अगर आपने पढ़ी है महाभारत, भगवान ने बोला नहीं जांघों पर दो बार हाथ मारे, इंद्र भगवान क्या करेंगे, दोनों जांघें तोड़ के रख, भगवान हमें एक श्लोक से इशारा कर रहे गए, सुनेगा न मेरी जो, हाय रब्बा ये हमारे में बिठा दे, और रब बिठा दे हमारे में, जैसे भीम को इशारे से समझा दिया, अर्जुन को इशारे से समझा दिया, हमें भी ये इशारा तेरा काफी होना चाहिए। सुनेगा न मेरी जो, अहंकार से तबाही में जाएगा पिंडदास। और मैं बड़ी मुद्दत से आया बैठा हूं आपके लिए, मेरे प्रभु का ये इशारा ही समझ लो, बस जब ये बात जान ली गई अब करो आरती, क्या तुम बिन और न तुझा, अगर ये अनेक है तो न होने के बराबर, ये तो पासिंग शो है, गुजरता हुआ जुलूस है, ये तो जा रही है, बस बेड़ा पार हुआ, मन हट गया, हटाना है और हमने करना क्या है, कुछ हट थोड़ा करना है, समझ लेना है, पहले वो समझ बेसमझी है, हाय जो कुछ पहले थी वो बेसमझी, अब बात समझी, सिर्फ बे और बा में बड़ा अंतर आ गया, और अब्बा मेरे बेटे बे और बा में, पहले बेसमझी अब बात समझी है,
पहले अज्ञानता, अब ज्ञान। अज्ञानता पहले अज्ञानता, पहले जुदाई। उर्दू वालों पहले जुदाई। हाँ, अब नुक्ते को हटाओ नीचे से, इसी नुक्ते को ऊपर रख दो, खुदाई खुदाई खुदाई। पहले जुदाई, अब हो गई खुदाई। सिर्फ एक नुक्ते को हटा के जीव को हमने खे बना देना, जीव गया, तलीन हुआ भगवान की जात में। बड़ी जल्दी तलीन हुआ मेरी बेटी, बड़ी जल्दी तलीन हुआ। सिर्फ समझा देना मन को, अब समझ आ गई। हाँ, यही अर्जुन ने कहा है, पता चल गया दिल है मजबूत, बजा लाऊंगा आपके हुक्म से, आपकी कृपा से, आपके ज्ञान से मुझे असलियत का पता लग गया। अब जो कुछ आप फरमा रही हैं, मेरे सिर झुक गया और मैं मानने को तैयार हूं। कृष्य वचन, तब मैं आपके वचनों को मान रहा हूं। मेरी देवी और मेरे सजनों, इस बात को जल्दी पकड़ लो, एक ने अनेक बनाए गए और अनेक विशेष काम के लिए बने गए। अब वृक्ष अपना काम कर सकता है, इंसान की तरह नहीं कर सकेगा। और नाना प्रकार के वृक्ष हैं, जिस वृक्ष को जिस लिए बनाए वो वही करेगा। है अनार कहे कि मैं आम पैदा करूं, आम कहे मैं अनार, ये हो ही नहीं सकता। खरबूजा कहे कि मैं, मेरे में जो है कोई और फल लग, नहीं लग सकेगा, वो वही लगेगा। मेरे में मतीरा लगे या मेरे में भटर नहीं लगेगा, वो वही अपने खरबूजा ही देगा। है इससे रजोगुणी तमोगुणी जीव बने हुए हैं, उनके अपने संस्कार वही करेंगे। हम अपने परमात्मा का भजन ही करेंगे। हमें वो कहे कि हम शैतानी करें, हम सिनेमा जाए, हम ये हमारे से हो ही नहीं सकता। हमने वो ही करना है जो हमारी फितरत है, बनाया गया जो तेरी फितरत ने धर्म कराएगी, फितरत वही तो इससे कर्म। कितना दिलेराना ऐलान भगवान जी का, हम वही करेंगे। और करने के बाद फिर जी जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, जिससे खुदाई हुई। तो फिर तो बस वो एक ही जात है, तमाशा कर रही है चारों ओर, चारों ओर वही बनाई जा रहे हुए जा रहे गए। तो फिर मेरा और आपका धर्म तू ही, तू ही तू जपना, तू ही तू मन में रख के उसके नाम पे कर्म करना। और अंत समय आ गया तो तू ही तू में समा जाएंगे, उसी एक में को जाएंगे बेटी। और जिंदगी बड़े आराम से कट जाती है, ना चिंता ना फिकर ना कहीं लेना ना देना ना राग ना द्वेष, अपने आप में रहेंगे बिल्कुल अपने आप में। वाह वाह, बिल्कुल अपने आप में, अपने आप में मस्त। जैसे अबोध बच्चा होता है, आपका बच्चा पैदा हुआ, हाँ मेरे ख्याल में कुछ महीने, 6 महीने 8 महीने 9 महीने आप कुछ काम ही कर सकते हैं। दूध पिला, उसकी टिटियां साफ कर, उसकी ओवर, उसकी वो ओवर वो ज्यादा आपसे दूध पिलाया गया या आपने दूध पिला या आपने कोई चीज खा ली, उसको अड़ी होगी पुत्र को, उसकी ज्यादा हो गया, ये हो गया, उन्हीं उन्हीं में रह जाती हो। परमात्मा की कसम, आप जैसे नेक जीव अगर इस ज्ञान को जान ले तो आप और परमात्मा में ही रह जाएंगे, जैसे जच्चा बच्चा अपने में रह जाते, माँ पुत्र अपने में रह जाएंगे। अब उनकी लंगोटियां बन रही है, अब उनकी लंगोटी गंदी को फर्रटी आ गई, अब उसको धो रही है, अब उसको दूध पिला रही है, अब उसको बाटर रख रही है। देखने वाली बात होती है, माँ बिचारी उसी में गल जाती है। अब उसकी ये कर रही है, अब उसको उसने कर रही है, अब उसने दूध पिलाया, बस उल्टी कर दी सारी, धो अब उसी में रह जाओगी। इस तरह आप जैसे नेक जीव जब एक को मान लेंगे, आप उसी में ही रह जाएंगे। रहे उसका दिल रूह से मुतमयन, आत्मनियव आत्मना तुष्टा, उसका मन मालिक में ही रह जाएगा, यही प्रभु चाहते हैं। कितना शानदार मारे गए, अगर आप इसको पकड़ ले, मैं ठीक समझा सकूं और आप ठीक पकड़ ले, कितना आराम से हम जी सकते हैं। और समय आ जाए आखिरी, आराम से इस काया को छोड़ देंगे, क्योंकि पहले ही हमारा मन टूट गया है और उसमें लग गया। उसी तरह खुशी होती है शरीर छोड़ने में, जैसे पुराने मकान को छोड़कर नई 3 मंजिला मकान में आप शिफ्ट कर रही है, पर हमारी शिफ्टिंग नहीं होगी, हम एक में होंगे मालिक के अंदर। कितनी खुशी हुई जब आपने कहा पुराने मकान को छोड़ दो और नए मकान में जा रहे, कितनी खुशी। इसे जब मौत की आवाज आती, बड़ी खुशी, अभ्यास हो जाए, ये बात पक्की हो जाए, हम इसको छोड़ देंगे, क्योंकि पहले ही मन इससे निकल गया, पहले ही पता लग गया था कि हमारा नया मकान बन गया है, आज गृह प्रवेश होना है। कितनी खुशी, जाने करे वो कहती फिरती गृह, आप जलोगे ना हमारा गृह, मैं जरूर चलेंगी, मैं जरूर चलेंगे, वहां पर गृह प्रवेश होना हमारा। इसी तरह इतनी खुशी, कुछ रब इशारा भी कर देता है, अब तूने शरीर को छोड़ना है।
मैं कुछ इशारा कर रहा हूं आपको, परमात्मा अगर चाहे तो जो बिल्कुल ठीक मालिक के नजदीक पहुंच गए हैं और अभ्यास उनका बिल्कुल ठीक हुआ है, परमात्मा इशारा कर देती है तूने इस काया को अब छोड़ना, तो उनको बड़ी खुशी होती है कि मैं अपनी शिफ्टिंग नहीं करनी, मालिक में एक मेक हो जाना। जिस मरने से जग डरे, कबीर फरमाती है मेरे मन आनंद, कब मरूं कब पाऊं पूरन परमानंद। फिर सुनिए, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, क्यों कब मरूं कब पाऊं पूरन परमानंद। इस शांत याद सारी चीजें तो अपूर्ण है, अधूरी है, मैं कब शरीर छोड़ूंगा और उस पूर्ण जात में पूर्ण हो जाऊंगा, कब एक मेक होकर अपना कल्याण कर लूंगा। कोई डर वाली बात नहीं, जीव कितना शांत होता है, मेरी देवी कितनी आनंदित हो जाती है अगर हम पूरा अभ्यास कर ले, पूरा अपने आप को बना ले। और पूरा क्या, एक ही तो है, ये सारा कुछ एक का पसारा है और भगवान ने जिसको जिसके लिए बनाया है वैसा ही कर रहे हैं और वैसा करते जा रहे हैं और बड़े फिर वापस जा रहे हैं। जैसे मैं हंसा करता हूं, भवन में मैंने कहा 12-13-14 वर्कर है, हर एक की ड्यूटी है, बहुत सुचारू रूप से दिन रात सेवा हो रही है, हर एक की ड्यूटी लग गई। काम उस दिन बिगड़ता है थोड़ी देर के लिए अगर कोई अपनी ड्यूटी में ढीला हो जाए, वरना आपकी सेवा पूरे तरीके से की जा रही है, डाजरों द्वारा, उनके वर्करों द्वारा, असिस्टेंट द्वारा, बाकी द्वारा, बड़े तरीके से, और हम लोग बड़े निश्चिंता पूर्वक अपने जाप में, भजन में, अभ्यास में लग रहे हैं। हमें पता ही इन्होंने जैसा ही ड्यूटी लगाई जा रही, वैसे की जा रही है, वैसे बनाई जा रही है, हर एक की ड्यूटी अपनी अपनी करते जाओ, हर एक की। यहां भी आपको देखे उधर खड़े हैं, उधर खड़े हैं, चुपके से भी बच्चा रुपये बोले, कोई बोले तो भाग की कर लेंगे, कितना सुचारू से आप सुन पा रहे हैं, अलर्ट है अपनी ड्यूटी पर। इस तरह ये सारी चीजें अपनी जगह अलर्ट, जो मालिक ने इनके जिम्मे लगा दिया है, तूने नींव बनना बापा, दादा मैं नींव बनूंगा, तूने महात्मा मार के मेरा भजन करना मैं भजन करूंगा, तूने सांप बन के नसना है हाँ मैं जहर ही देता रहूंगा, फलाने ये करना यही करना, इतना करने के बाद वापस। तो धन आदमी आप जैसे कल्याणकामी केवल भगवान का चिंतन करते, केवल उसी में आ जाते हैं, तो बस यही एक जात है, बाकी मन से निकल जाती है। यही आपकी आरती आपको सिखा रही है, अगर आपने पक्का कर लिया क्या तुम बिन और ना दूजा, ये दूजी से तो मना कर रहा, दूजा अगर है तो जा रहा है। जैसे मैंने अभी पातशाह की बात बताई, क्या यही तो उपजो नानका, जिससे ये चीजें पैदा हुई है, लीनता ही मेहमान उसी में जा रही है, गोइंग बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस, अपना काम किया, गोइंग बैक टू ओरिजिनल प्लेस, उसी वापस जा रही उसी जगह। फिर मैं और आप अपना मन कितनी जल्दी टिका लेंगे परमात्मा में, आपको अभ्यास करना पड़ेगा नहीं, जो मन नलैकी करके धक्के खा रहा था इर्द गिर्द, उसको पता है असल तो ये है, वही चला जाएगा, असल तो ये इसी में रहना। चल खत्म, अब क्या अभ्यास करें, मेरे जैसा क्या अभ्यास करें, मन टिके बैठा उसी जगह। अगर किसी का अभ्यास है तो मेरे में घुस के देखो। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।